आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ स्किन केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स एमटी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपना थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी, जहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा वो प्रोडक्ट आप फ्यूचर में परचेस करना चाहते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एमटी के साथ। तो द फर्स्ट एमटी दैट आई हैव इज ये वेजलिन की तरफ से है। ये उनका बॉडी बटर है कोको ग्लो रेंज में। तो ये मैंने विंटर के टाइम पे यूज़ किया है और आई विल टेल यू आई हैव रियली लाइक्ड इट। सो ये प्रोडक्ट थोड़ा थिकर कंसिस्टेंसी की तरफ है और ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है। तो आपको डजेंट मैटर आपका स्किन टाइप ड्राई है या ऑयली है और कॉम्बिनेशन है, विंटर के टाइम पे एनी स्किन टाइप कैन यूज़ इट। सो आप लोग अगर पूछे मैं ये प्रोडक्ट रेकमेंड करती हूँ कि नहीं, आई विल टेल यू इस प्रोडक्ट को मैं 10 में से 7 दे दूंगी। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में। ये है ओरिफ्लेम की तरफ से, ये उनका हैंड एंड बॉडी क्रीम है। इनका ये उसका स्मॉलर वेरिएंट है एक्चुअली, और द वेरिएंट दैट आई हैव इज मिल्क एंड हनी गोल्ड। सो इसका कंसिस्टेंसी के अगर बारे में बात करें तो ये वेजलिन वाले से थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी है, बट इसका मॉइस्चराइज करने का जो कैपेसिटी है वो उससे भी ज़्यादा है। सो डजेंट मैटर आपका स्किन टाइप अगर ड्राई है तो आप ये समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नॉन स्टिकी है और ये एकदम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसे। सो आप अगर पूछे तो ये प्रोडक्ट मुझे यूज़ करके कैसा लगा और मैं बाद में ये रिपर्चेस करूँगी कि नहीं, आई विल टेल यू येस मे बी आई विल रिपर्चेस इट बिकॉज आई हैव रियली लाइक्ड इट। दे हैव फ्यू अदर वेरियंट्स जिनमें दूसरे फ्लेवर्स के साथ भी ये आते हैं, सो आई विल ऑल्सो ट्राई आउट दैट अगर वो मुझे बेटर लगे, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी मुझे बहुत अच्छा लगा बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा है। तो फॉर द फ्रेग्रेंस मुझे एक नंबर कम देना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको 8 देती नॉर्मली एज अ प्रोडक्ट, आई विल गिव दिस 7। आते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की ओर। ये है जेवा की तरफ से उनका जापानीज माचा ग्रीन टी फेस पैक, जिसमें आर्गन ऑयल भी है। सो एक्चुअली ये फेस पैक मैंने काफ़ी दिन से मैंने यूज़ किया है। तो ये फेस पैक एक्चुअली उनके लिए है जिनका ऑयली स्किन है या फिर एक्ने का प्रॉब्लम है। एक टाइम पे मेरी स्किन एक्चुअली बहुत ऑयली हुआ करती थी, अभी ये कॉम्बिनेशन हो गई है और एक्ने का प्रॉब्लम भी बहुत था। सो तभी ये पैक मुझे बहुत इसने हेल्प किया है। और अगर मुझे पूछा जाए कि मैं फिर से ये पैक रिपर्चेस करूँगी कि नहीं, आई विल टेल यू कि मेरे पास एट दिस मोमेंट आई हैव सो मेनी पैक्स दैट आई हैव टू फिनिश। वो सारे फेस पैक फिनिश करने के बाद ऑब्वियसली आई विल रिपर्चेस इट। सो आते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की ओर। ये है प्लम की तरफ से उनका ग्रीन टी क्लियर स्पॉटलाइट जेल। सो अभी तक जो मैंने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, अगर उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को मुझे चूज़ करना पड़े अमंग द ऑल 10 प्रोडक्ट्स एक्चुअली, और ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैं 10/10 देना चाहती हूँ, क्योंकि ये है एक्चुअली स्पॉट ट्रीटमेंट प्लम की तरफ से। कोई भी पर्सन अगर एक्ने या एक्ने स्पॉट्स से अगर सफ़र कर रहे हैं तो ये उस एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और दिस वर्क्स वंडर्स एक्चुअली इट वर्क्स। और ये इतने अच्छे से वो स्पॉट्स को मैं क्या बोलूँ हटा देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आप ये स्किन केयर है, आप एक बार दो बार यूज़ करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका स्पॉट रातों रात गायब हो जाएगा, बट कुछ दिन से अगर इसको आप रिलीजियसली यूज़ करो तो यू विल सी एटलीस्ट एक या दिन दो दिन में तो आपका एक्टिव एक्ने चला ही जाएगा। इसके साथ अगर आपके पुराने एक्ने के स्पॉट भी है, आप उस स्पॉट पे अगर डेली आप यूज़ करें तो रिलीजियसली आप वहाँ पे डिफरेंस देखेंगे ही देखेंगे इफ़ इट सूट्स योर स्किन।
आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, ये है रॉ नेचर की तरफ से उनका क्लेंजर। ये एक्चुअली उनका वॉल्केनिक ग्रीन क्ले क्लेंजर है और ये एक बहुत, ये एक्चुअली ये भी ऑयली स्किन के लिए ही है बट ये एक बहुत जेंटल क्लेंजर है। इसका जो सोप का परसेंटेज है बहुत कम है, तो इसका जो लेदर और फोम क्रिएट होता है ना वो उतना ज़्यादा नहीं क्रिएट होता, तो ये एक्चुअली अच्छा भी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स ज़्यादा ऐड नहीं किए गए हैं हमारे कमर्शियल जाए जो फेस वॉशेज आते हैं उनकी तरह। तो आपका अगर स्किन एक्चुअली वेरी सेंसिटिव है तो आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रॉ नेचर इज़ अ ब्रांड विच एक्चुअली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सारे हर्बल या फिर थोड़े नेचुरल्स होते हैं विदाउट आपका कोई प्रेजर कुछ ज़्यादा मतलब केमिकल्स ऐड ना करके। सो ये फेस वॉश को आप अगर पूछे कि मैं रिपर्चेज करूँगी कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड के इतने सारे फेस वॉश अभी भी यूज़ करना बाकी है, तो वो सारे ख़त्म होने के बाद एनीवे आई थिंक कि मुझे और एक अच्छा फेस वॉश मिल ही जाएगा। बट आप अगर कोई नए वेरी जेंटल फेस वॉश के खोज में हैं सो आप यू कैन गिव दिस अ ट्राई। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में, ये है सेंट डिवेंस की ओर से उनका टी ट्री एंड नीम फेस वॉश। सो ये फेस वॉश भी एक्चुअली आई थिंक जो इनका इंग्रेडिएंट है लाइक टी ट्री ऑयल, एलोवेरा, विटामिन ई एंड नीम, ये सारे तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये एक्चुअली एक्ने प्रोन स्किन के लिए या फिर प्रॉब्लमेटिक इन जनरल स्किन के लिए होते हैं। सो आपका अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, एज आपको पता है टी ट्री और नीम दोनों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, तो वो आपके स्किन के सारे बैक्टीरिया को मिटाने में हेल्प करेगा। और टी ट्री ऑयल जो है प्लस एलोवेरा वो आपका स्किन में एक्स्ट्रा जो सीबम एक्सेस होता है ना वो आपको एनीवे मतलब उसके साथ फाइट करने में हेल्प करेगा। तो आप ये फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही जेंटल है एंड ये भी विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स है। सो ये सल्फेट फ्री भी है। सो आप अगर सेंसिटिव स्किन से है जिनका एक्ने में एक्ने का प्रॉब्लम कभी कभी होता भी है तो आप सोच सकते हैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। और आप अगर पूछे कि मैं इस प्रोडक्ट को 10 में से कितना मार्क्स देना चाहती हूँ, आई विल गिव दिस प्रोडक्ट अराउंड 7 or 6.5। और अगर आप पूछे इसके पहले वाला जो फेस वॉश मैंने दिखाया था उसको भी मैं सिमिलर मार्क्स दूंगी। सो आते हैं हमारा लास्ट फेस वॉश में इस पर्टिकुलर लिस्ट में, दैट इज़ मामा अर्थ की तरफ से जो उपतन फेस वॉश है, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था ऑफिशियल वाले वीडियो में। सो तभी मैंने बोला था ये एक्चुअली बहुत अच्छा है और आप अगर आपके इसके फेस में या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा टैन का प्रॉब्लम है तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, इट एक्चुअली वर्क्स। एंड आपका अगर टैन का प्रॉब्लम नहीं भी है तो इस फेस वॉश में और एक चीज़ है जो कि छोटे स्क्रबिंग जो पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें दिया हुआ है। तो आप अगर ऐसे कोई है जो अलग 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 प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए हर रोज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं और आपका स्क्रब भी ऐसे आप नहीं यूज़ करते उतना, तो आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स है, तो ये ऐसे भी एक डेली जेंटल स्क्रब की तरह भी आपका काम करेगा स्किन में। और आप अगर पूछे तीनों फेस वॉश में से किस फेस वॉश को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगी, तो ऑब्वियसली ये दिस वन है क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट भी बहुत ही जेंटल है और सारे पैराबिन एंड SLS फ्री एंड हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट है। और एज अ प्रोडक्ट, एज अ होल प्रोडक्ट, इसको मैं अगर 10 में से कितने मार्क्स देना चाहती हूँ, देन आई विल गिव दिस एटलीस्ट 8 बिकॉज ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में, ये भी मामा अर्थ की तरफ से है, ये उनका एंटी पॉल्यूशन फेस क्रीम है। ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को भी मैं अपने पहले वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। सो ये एक्चुअली आपको हेल्प करता है जो पॉल्यूशन है बाहर उससे, और आपके स्किन में एक बैरियर की तरह यूज़ कर ये बना देता है और आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है बाहर के पॉल्यूशन से। सो ये एक्चुअली टर्मरिक, इसमें टर्मरिक और पॉल्यूस्टॉप दिया हुआ है, ये दो इन्ग्रीडियंट इनका एक्टिव इन्ग्रीडियंट है। सो एज अ नॉर्मल फेस क्रीम आप अगर मुझे पूछे तो मैं बोलूँगी कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ड्राई स्किन की तरफ से है देन आप अगर विंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी एक
थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कुछ अगर यूज़ करके देन बहुत ड्राई अगर आपका स्किन है देन ये आप यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अगर आप नॉर्मल ड्राई स्किन टू नॉर्मल टू ऑयली टूवर्ड्स कॉम्बिनेशन एनी ऑफ दिस फोर आप अगर स्किन टाइप है तो आप सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपको और एक किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं होगी, बस ये यूज़ कीजिए, आफ्टर दैट सनस्क्रीन यूज़ कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड इफ़ यू आस्क मी इस प्रोडक्ट को मैं 10 में से कितना मार्क्स देना चाहती हूँ देन इसको मैं एटलीस्ट 8.5 to 9 दूंगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। आते हमारे सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट में, दैट इज़ ये ऑल्सो प्लम की तरफ से है, ये है उनका ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ग्लो रिस्टोर फेस ऑयल ऑयल्स ब्लेंड। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे से पूछा जाए मैं बस यही कहूँगी कि ये मेरा थर्ड बॉटल है और मेरे पास ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का एक बैकअप है। सो इससे आप समझ सकते हैं ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्योंकि इसको मैं 10 में से ईजिली 9 मार्क दूंगी, क्योंकि एज अ फेशियल ऑयल ये मेरा फर्स्ट फेशियल ऑयल है जो मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना बहुत दिन से और आई एम स्टिकिंग टू दिस, क्योंकि ये फेशियल ऑयल बहुत बहुत ही लाइट वेट है आपका। तो आपको मैं बोल देती हूँ, आप अगर को नहीं पता कि कैसे फेशियल ऑयल यूज़ करना है आपके डेली रूटीन में, आपका अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल डेली थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं और आपको पसंद है थोड़ा मैट फाउंडेशन, और आपका अगर ड्राई स्किन भी है तो डजेंट मैटर व्हाट स्किन टाइप, आपको बहुत मैट फाउंडेशन का जो लुक है वो अच्छा लगता है। बट आपका स्किन आपकी स्किन में अगर कुछ ड्राई पैचेस आ जाते हैं वहाँ पे फाउंडेशन क्लींस करके ना वो अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको अवॉइड करके एक मैट फाउंडेशन सपोर्ट करने के लिए आप ऐसा ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसको आपके मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाइए देन आपका प्राइमर और फाउंडेशन लगाइए, तो ऐसे भी आप अगर प्राइमर को स्किप भी करेंगे ना तो आपका मैट फाउंडेशन भी इसके ऊपर इतना अच्छे से सेट करेगा विदाउट मेकिंग योर स्किन लुकिंग ड्राई कि आपको मतलब कोई प्राइमर की आई डोंट थिंक ज़रूरत उतना पड़ेगी आप अगर बहुत देर के लिए फाउंडेशन नहीं वेयर कर रहे तो। और अगर आप मेकअप भी नहीं करते एज अ स्किन केयर सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो आप डेली इसको नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं आपके मॉइस्चराइजर के बाद, क्योंकि ये फेस ऑयल है, फेस ऑयल के बाद किसी स्टेप का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये ऑयल है। एनी वे ऑयल आपके स्किन में बैरियर बना देता है, ऑयल के ऊपर आप कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि आप जो भी लगाएंगे वो आपके स्किन में अंदर सिंक नहीं करेगा। तो बट ये आप एज अ लास्ट स्टेप अपने नाइट टाइम स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले। सो आप अगर सुबह जब उठेंगे सो यू विल सी रियली अ बिग डिफरेंस। अगर एकदम समर में आप उतना आपका स्किन हैवी लग सकता है यूज़ करके सोच रहे हैं देन यू कैन स्किप इट। समर के अलावा पूरे थ्रू आउट द विंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर आप ये यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ जेन्युइनली वेरी नाइस प्रोडक्ट। सो आते हैं हमारे आज के लास्ट एम्प्टी में, ये है एक शैम्पू दैट इज़ फ्रॉम गार्नियर अल्ट्रा ब्रांड्स एंड एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड ये है आपका रॉयल जेली एंड लैवेंडर वेरिएंट में। सो इस शैम्पू के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि एंटी हेयर फॉल का क्लेम तो मुझे उतना नहीं पता क्योंकि ये फुल यूज़ करने के बाद भी मुझे हेयर फॉल में उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दिया है। बट ये इसका जो रॉयल जेली ये वेरियंट है ना विथ लैवेंडर, इसका स्मेल टू सम डिफरेंट एक्सटेंट है, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है ये प्रोडक्ट। सो आप अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट फ्रेग्रेंस सो आप इस प्रोडक्ट से दूर रह सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू लाइक वेरी माइल्ड एंड सूदिंग फ्रेग्रेंस आपके स्किन केयर बॉडी केयर या फिर शावर प्रोडक्ट्स में देन आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज अ शैम्पू एज अ जनरल शैम्पू विच इज़ नॉट वेरी हार्श ऑन योर हेयर ये बहुत अच्छा शैम्पू है। बट सिर्फ हेयर फॉल वाला क्लेम मुझे उतना मिलते हुए नहीं देखा, इसके अलावा एज अ शैम्पू इट इज़ वेरी नाइस, आई लाइक इट। एंड इफ़ यू आस्क मी कि मैं रिपर्चेस करूँगी कि नहीं सो आई विल थिंक, अगर मुझे लगे मैं शायद रिपर्चेस कर भी सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, ऐसा कोई माइंडसेट मेरा है नहीं। एंड इफ़ यू आस्क मी 10 में से मैं कितना मार्क्स देना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट को, मैं 10 में 7.5 से ज़्यादा नहीं दूँगी। लवली सो आज का वीडियो यहीं तक था,
आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, और जो बेल आइकन है उसके बाजू में उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इसके साथ ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आई होप आप लोग सब सेफ रह रहे हैं और घर पे ही रह रहे हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर।